महावीर सिंह मैसेंजर ऑफ शिवाजी गुरुकुल इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज की क्लास में हम 9 से 9 चैप्टर में कुछ प्रश्नों को हम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में एम और एन समांतर रेखाएं हैं तथा डी एक तिर्यक रेखा है, कोण 1 तथा कोण 2 अनुपात है 3:2, तो अन्य सभी कोण क्या है। चित्र में ध्यान दीजिए, एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं, टी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। कोण 1 और कोण 2 में अनुपात दे दिया गया है हमें 3:2, तो अन्य सभी कोण, कोण 3, कोण 4, 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, अन्य सभी कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले कोण 1 और कोण 2 में अनुपात दे दिया गया है, क्या है वो, 3:2। यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना अनुपातिक गुणांक, माना अनुपातिक गुणांक x है। यहां से कोण 1 बराबर क्या मिलेगा, 3x, और कोण 2 बराबर मिलेगा हमको 2x। माना अनुपातिक गुणांक x है तो कोण 1 बराबर मिलेगा 3x, कोण 2 बराबर मिलेगा 2x। अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, 180 अंश रैखिक युग्म से। चित्र में ध्यान दीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, 180 अंश। यहां पर आप लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। रीजन क्या लिखेंगे हम, रैखिक युग्म, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। रीजन लिखेंगे हम रैखिक युग्म। अब देखिए कोण 1 का मान क्या है, 3x, कोण 2 का मान क्या है, 2x, बराबर में क्या है, 180। 3 और 2 क्या होगा, 5x बराबर 180। तो यहां से x बराबर क्या आएगा, यहां से देखिए x बराबर आएगा 180/5। 5 से भाग देंगे 180 में, x बराबर क्या आएगा, देखिए 5 × 15, ठीक है, 3 बार गया, कितना बचा, 3 × 5 = 30। यहां से x का मान आ जाएगा 36। हमें कोण 1 का मान निकालना है, कोण 1 का मान क्या है, कोण 1 बराबर है 3x, यानी 3 × 36, कोण 1 का मान आ जाएगा 108, ठीक है। कोण 2 का मान क्या है, 2x है, कोण 2 बराबर है 2x, x का मान कितना है 36, 2 × 36, यहां से कोण 2 का मान हमें क्या मिल जाएगा, 72। तो यहां से देखिए कोण 1 का मान मिल गया 108 और कोण 2 का मान मिल गया 72, दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। ये दोनों को जोड़िए, 108 प्लस 72 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। अब इसके बाद देखिए कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के शीर्षक कोण को। यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, कोण 3 बराबर लिखेंगे कोण 1, रीजन क्या है, शीर्षक विमुख कोण, शीर्षक विमुख कोण। यहां से कोण 3 कोण 1 के बराबर है, शीर्षक विमुख कोण, कोण 1 का मान अभी हमने निकाला 108 अंश, तो कोण 3 का मान क्या निकल आएगा, 108, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए, कोण 3 बराबर है कोण 5 के एकांतर कोण, तो यहां लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 5 या कोण 5 बराबर कोण 3। कारण क्या लिखेंगे यहां पर हम, एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण या एकांतर कोण भी लिख सकते हैं। देखिए कोण 5 कोण 3 आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण, कोण 3 का मान है 108, तो कोण 5 का मान भी कितना मिल जाएगा हमको, 108, ठीक है। अब कोण 5 का मान हमें पता चल गया, कोण 5 किसके बराबर है, कोण 7 के, कोण 5 बराबर है कोण 7 के, कारण क्या लिखेंगे, शीर्षक विमुख कोण। यहां पर लिखेंगे कोण 7 बराबर कोण 5, शीर्षक विमुख कोण।
तो देखिए यहाँ से कोण सात का मान बराबर है कोण पांच के, कोण पांच क्या है 108, तो यहाँ से कोण सात का मान क्या मिल जाएगा 108। तो अभी हमने देखिए कौन से कोण निकाले, कोण एक, कोण दो, कोण कोण एक बराबर है कोण तीन के, कोण तीन मिल गया, कोण तीन कोण पांच के बराबर है एकांतर कोण, कोण पांच का मान भी 108 आ गया, कोण पांच बराबर है कोण सात के शीर्षक में कोण सात का मान भी वही मिलेगा। अब हमें निकालना है कोण चार, कोण छह और कोण आठ, ठीक है। कोण चार का मान हम कैसे निकालेंगे, कोण दो का मान क्या निकाला है हमने, कोण दो का मान आया है 72, कोण एक का मान 108 था, कोण दो का मान क्या आया था 72, ठीक है। अब देखिए कोण दो किसके बराबर होगा, कोण चार के, शीर्षक रूप कोण, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण चार बराबर कोण दो, कारण हम लिखेंगे शीर्षक रूप कोण, शीर्षक कोण, तो यहां से देखिए कोण चार का मान क्या मिल जाएगा 72, ठीक है। कोण चार कोण दो आपस में बराबर है, शीर्षक को कोण, कोण दो का मान 72 अंश है, तो कोण चार का मान भी 72 अंश है। इसके बाद देखिए कोण चार बराबर होगा कोण छह के, एकांतर अंतर कोण, यहां पर लिखें कोण चार कोण छह आपस में बराबर है, रीजन है एकांतर अंतर, कोण चार कोण छह के बराबर है एकांतर अंतर, ठीक है। कोण चार का मान क्या है 72, तो कोण छह का मान भी क्या होगा 72, रीजन हम लिखेंगे एकांतर अंतर कोण। अब देखिए कोण छह किसके बराबर है, कोण आठ के, कोण छह और कोण आठ आपस में बराबर है, कारण क्या लिखेंगे हम शीर्षक गुणन कोण, शीर्षक गुणन कोण, यहां से कोण आठ का मान हमें क्या मिलेगा, कोण आठ और कोण छह आपस में बराबर है, कोण छह का मान कितना है 72, तो कोण आठ का मान भी हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 72 अंश मिल जाएगा, कारण क्या लिखेंगे हम शीर्षक गुण, यहाँ से देखिए भाई सारे कोण मिल गए, कोण एक कोण चार कोण पांच कोण छह कोण सात कोण आठ सारे कोण हमने मिला। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में चित्र में L और L दो समांतर रेखाएं हैं, तो x का मान क्या है, देखिए चित्र में L और L दो समांतर रेखाएं हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए एक हमने प्रमेय पढ़ी थी, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है, यहां से कोण एक प्लस कोण दो बराबर हमें क्या मिलेगा 180 अंश, कारण क्या है दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्या रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी है, एल और एम समांतर रेखा है, टी एक रेखा है, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 अंश, यहाँ पे लिखेंगे पहले आप कारण लिखेंगे दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्या रेखा काटे तो दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्या रेखा काटे तो एक ही ओर के
अंतः कोणों का योग इनकी हो गया अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों एल और एल क्या है, वो समांतर रेखा है कि एक प्रेरक रेखा है। देखिए और क्या अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी 4x प्लस 3x प्लस 5 बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7x प्लस 5 बराबर 100। यहां से 7x बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 5 7x बराबर आ जाएगा 175। x बराबर 175 बटे 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 7 बना 35। यहां से x का मान आ जाएगा 25। यदि L और M दो समांतर रेखाएं होंगी, एक क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यहां से जो x का मान आ गया वो क्या आ गया 25 डिग्री। ठीक है, इसमें इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता था, x की किस मान के लिए दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि x के किस मान के लिए दोनों दी गई रेखाएं परस्पर क्या है समांतर है। तो हम क्या मानेंगे कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, और वो समांतर रेखा होंगे एक रेखा काटे तो इनकी और क्या था कोणों का योग 180 अंश होता है। वही लगाएंगे हम, तो यहाँ से x बराबर 25 अंश आ गया। x बराबर 25 अंश के लिए ही दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी समांतर होंगी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। चित्र में AB समांतर है CD के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है चित्र में AB CD के समांतर है तो हमें x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हल कैसे करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दिया गया पार्ट है, हमें प्रश्न क्या दिया है AB समांतर CD, x का मान हमें ज्ञात करना है, इस पर हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी, टी से AB और CD के समांतर में रेखा खींचनी पड़ेगी, इसको हम क्या मानेंगे TE, क्या मानेंगे TE। यहां पर रचना भी लिखेंगे, बिंदु T से AB तथा CD के समांतर रेखा TE खींचा, क्योंकि हमने बिंदु T से AB तथा CD के समांतर रेखा TE खींचा। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल गया, तीनों रेखाएं परस्पर क्या है समांतर है, AB समांतर CD समांतर। अब हम यहां पर एक प्रमेय लगाएंगे, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताई थी कौन सी प्रमेय है, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्या रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, या एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं। ठीक है, AB तथा CD के समांतर रेखा हमने बिंदु T से TE खींची, कोण A का मान दिया 140 अंश, कोण C का मान दिया 150 अंश, ये मान हमें कोण X निकालना है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्या रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम लगाएंगे। देखेंगे AB और TE क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और AB त्रिज्या रेखा है, ये कोण और ये कोण इन दोनों कोणों का योग 180 अंशों का, तो लिखेंगे आप कोण BAT प्लस कोण ATE प्लस कोण ATE बराबर 180 अंश। समीकरण के
यहाँ पे लिखेंगे कारण एकांतस्थ अंतःकोण संपूरक होते हैं। क्या लिखेंगे? एकांतर अंतःकोण संपूरक होते हैं। ठीक है, कोण बी ए टी प्लस कोण ए टी ई बराबर 180। और अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि कौन कौन सी दो रेखाएं परस्पर समांतर हो रही हो। रेखाएं समांतर है, ए बी समांतर डी ई के है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी समांतर डी ई। और इसके बाद देखिए दो समांतर रेखाएं डी ई और सी डी है, एक त्रिक रेखा काट रही है। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180। तो यहाँ पे क्या होगा? कोण ई टी सी, कोण ई टी सी प्लस कोण टी सी डी, कोण टी सी डी बराबर 180। समीकरण दो लिखेंगे, दीर्घ वही एकांतर अंतः कोण संपूरक होते हैं। एकांतर अंतःकोणों का योग या एकांतर अंतःकोण संपूरक होते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी दो समांतर रेखाएं हैं? ई समांतर है सी डी। यहाँ पे लिख देंगे ई समांतर सी डी। अब क्या करेंगे? समीकरण एक बार दो को जोड़ेंगे। समीकरण एक व दो को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष से जुड़ेगा और दायां पक्ष दायां पक्ष से जुड़ेगा। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए बायां पक्ष से जुड़ेगा कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी ई प्लस कोण ई टी सी प्लस कोण टी सी डी टी सी डी बराबर में क्या है? 180 प्लस 180। देखिए कोण BAT का मान कितना है? 140। यहाँ पे लिख देंगे 140 प्लस कोण ADE प्लस कोण EBC। इन दोनों कोणों को जब आप जोड़ेंगे तो उसका मान भी क्या दिया गया है? X। तो इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान है एक्स। फिर से ध्यान दीजिए कोण ए टी ई प्लस कोण ई टी सी, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कोण ए टी ई ये हो गया प्लस कोण ई टी सी, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स। लास्ट में क्या है? कोण टी सी डी, टी सी डी का मान क्या है? 150 अंश प्रश्न में दिया है। बराबर क्या है? 180 जोड़ेगा क्या हो जाएगा? 360। अब देखिए 145 से 140, अब देखिए x प्लस 150 और 140 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 290। 150 और 140 जुड़ के हो जाएगा 290। बराबर क्या है? 360। अगले स्टेप पर देखेंगे 360 माइनस 290। 360 में हम 290 घटाएंगे तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा? 70। ठीक है, x का मान हमें क्या प्राप्त होगा? 70। 150 140 कितना हो गया? 290 प्लस x बराबर 360 होगा। 290 में जब हम पछाड़कर करेंगे तो x बराबर 360 माइनस 290 जो कि हमें प्राप्त होगा 70। ठीक है बच्चों, हेलो एवरीवन, मायसेल्फ राहुल दीक्षित, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों आज की क्लास में हम लाइन से नए चैप्टर में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है चित्र में M और N समांतर रेखाएं हैं तथा T एक त्रिक रेखा है, कोण 1 तथा कोण 2 में अनुपात है 3:2, तो अन्य सभी कोण क्या है? चित्र में ध्यान दीजिए M और N दो समांतर रेखाएं हैं, T एक क्या है? त्रिक रेखा है। ठीक है,
कोण एक और कोण दो में अनुपात दे दिया गया है हमें 3:2, तो अन्य सभी कोण कोण 3, 4, 5, 6, 7, 8 अन्य सभी कोण हमें ज्ञात करें। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले कोण एक और कोण दो में अनुपात दे दिया गया है, क्या है वो 3:2। यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना अनुपातिक गुणांक, माना अनुपातिक गुणांक x है। यहां से कोण एक बराबर क्या मिलेगा 3x और कोण दो बराबर मिलेगा हमको 2x। माना अनुपातिक गुणांक x है तो कोण एक बराबर मिलेगा 3x, कोण दो बराबर मिलेगा 2x। अब देखिए कोण एक प्लस कोण दो बराबर क्या होगा 180 अंश रैखिक युग्म से। चित्र में ध्यान दीजिए, कोण एक प्लस कोण दो बराबर क्या होगा 180 अंश। यहाँ पर आप लिखेंगे कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 अंश। रीजन क्या लिखेंगे हम, रैखिक युग्म, कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 अंश। रीजन लिखेंगे हम रैखिक युग्म। अब देखिए कोण एक का मान क्या है 3x, कोण दो का मान क्या है 2x, बराबर में क्या है 180। 3 और 2 क्या होगा 5x बराबर 180। तो यहां से x बराबर क्या आएगा, यहां से देखिए x बराबर आएगा 180/5। 5 से भाग देंगे 180 में, x बराबर क्या आएगा देखिए 5 × 15, ठीक है, तीन बार गया कितना बचा 3, 5 × 30। यहां से x का मान आ जाएगा 36। हमें कोण एक का मान निकालना है। कोण एक का मान क्या है, कोण एक बराबर है 3x यानी 3×36। कोण एक का मान आ जाएगा 108, ठीक है। कोण दो का मान क्या है 2x है, कोण दो बराबर है 2x, x का मान कितना है 36, 2×36। यहां से कोण दो का मान हमें क्या मिल जाएगा 72। तो यहां से देखिए कोण एक का मान मिल गया 108 और कोण दो का मान मिल गया 72। दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। ये दोनों को जोड़िए, 108 प्लस 72 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। अब इसके बाद देखिए कोण एक किसके बराबर है, कोण तीन के शीर्षाभिमुख को। यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, कोण तीन बराबर लिखेंगे कोण एक। रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। यहां से कोण तीन कोण एक के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। कोण एक का मान अभी हमने निकाला 108 अंश, तो कोण तीन का मान क्या निकल आएगा 108, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए कोण तीन बराबर है कोण पांच के एकांतर कोण। तो यहां देख सकते हैं कोण तीन बराबर कोण पांच या कोण पांच बराबर कोण तीन। कारण क्या लिखेंगे यहां पर हम, एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर या एकांतर कोण भी लिख सकते हैं। देखिए कोण पांच कोण तीन आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण। कोण तीन का मान है 108, तो कोण पांच का मान भी कितना मिल जाएगा हमको 108, ठीक है। अब कोण पांच का मान हमें पता चल गया, कोण पांच किसके बराबर है कोण सात के। कोण पांच बराबर है कोण सात के, कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर लिखेंगे कोण सात बराबर कोण पांच शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए यहां से कोण सात का मान बराबर है कोण पांच के, कोण पांच क्या है 108। तो यहां से कोण सात का मान क्या मिल जाएगा 108। तो अभी हमने देखिए कौन से कोण निकाले, कोण एक कोण दो कोण दो, कोण एक बराबर है कोण तीन के, कोण तीन मिल गया, कोण तीन कोण पांच के बराबर एकांतर कोण।
कोण पांच का मान भी 108 आ गया, कोण पांच बराबर कोण सात के शीर्षक कोण सात का मान भी हो गया। अब हम ये निकालना है कोण चार, कोण छह और कोण पांच, ठीक है। कोण चार का मान कैसे कोण दो का मान क्या निकाला है, कोण दो का मान आया है 72, कोण एक का मान 108 था, कोण दो का मान क्या आया था 72, ठीक है। अब देखिए कोण दो किसके बराबर होगा, कोण चार के, शीर्षक गुणों का कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण चार बराबर कोण दो, कारण हम लिखेंगे शीर्षक गुणों का कोण, शीर्षक कोण। तो यहां से देखिए कोण चार का मान क्या मिल जाएगा 72, ठीक है। कोण चार कोण दो आपस में बराबर है, शीर्षक को कोण, कोण दो का मान 72 अंश है, तो कोण चार का मान भी 72 अंश है। इसके बाद देखिए कोण चार बराबर होगा कोण छह के, एकांतर अंतर कोण। यहां पर लिखेंगे कोण चार कोण छह आपस में बराबर है, रीजन है एकांतर अंतर। कोण चार कोण छह के बराबर है, एकांतर अंतर, ठीक है। कोण चार का मान क्या है 72, तो कोण छह का मान भी क्या होगा 72। रीजन हम लिखेंगे एकांतर अंतर कोण। अब देखिए कोण छह किसके बराबर है, कोण आठ के, कोण छह और कोण आठ आपस में बराबर है, कारण क्या लिखेंगे हम शीर्षक गुणों को, शीर्षक गुणों को। यहां से कोण आठ का मान हम क्या लिखेंगे, कोण आठ और कोण छह आपस में बराबर है, कोण छह का मान कितना है 72, तो कोण आठ का मान भी हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 72 अंश मिल जाएगा, कारण क्या लिखेंगे हम शीर्षक गुणों को। यहाँ से देखिए भाई सारे कोण मिल गए, कोण एक कोण चार कोण पांच कोण छह कोण सात कोण आठ सारे कोण हमें मिल गए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है चित्र में एल और एल दो समांतर रेखाएं हैं, तो एक्स का मान क्या है। देखिए चित्र में एल और एल दो समांतर रेखाएं, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए एक हमने प्रमेय पढ़ी थी, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई दीर्घ रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां से कोण एक प्लस कोण दो बराबर हमें क्या मिलेगा 180 अंश, कारण क्या है, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी है, एल और एम समांतर रेखा है, ई एक रेखा है, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 अंश। यहाँ पे लिखेंगे पहले आप कारण लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्या रेखा काटे तो दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्या रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां पर देखिए दोनों एल और एल क्या है, दो समांतर रेखा है, की एक त्रिज्या रेखा है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी
फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव बराबर 180। दोनों को जोड़े चार और तीन सात एक्स प्लस पांच बराबर 100। यहां से 7x बराबर क्या आएगा 180 माइनस 5 7x बराबर आ जाएगा 175। x बराबर 175 बटे 7 × 14 3 बचेगा 7 × 35। तो यहां से x का मान आ जाएगा 25। यदि L और M दो समांतर रेखाएं होंगी, ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यहां से जो x का मान आ गया वो क्या आ गया 25 डिग्री। ठीक है, इसमें इस तरह से प्रश्न पूछ सकता था x की किस मान के लिए दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि x के किस मान के लिए दोनों दी गई रेखाएं परस्पर क्या है समांतर है। तो हम क्या मानेंगे कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, दो समांतर रेखाओं में एक डेढ़ रेखा काटे तो इतनी होगी अर्थात कोणों का योग 180 होता है, पहले लगाएंगे हम। तो यहां से x बराबर 25 अंश आ गया, x बराबर 25 अंश के लिए दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी समांतर होंगी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। चित्र में ए भी समांतर है सीडी के, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है चित्र में ए भी सीडी के समांतर है तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दिया गया है, दिया गया पाठ है हमें प्रश्न क्या दिया है ए भी समांतर सीडी, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, इस पर हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी, टी से ए बी और सी डी के समांतर हमें रेखा खींचनी पड़ेगी, इसको हम क्या मान लेंगे टी ई, क्या मान लेंगे टी ई। यहां पर रचना भी लिखेंगे बिंदु टी से ए बी तथा सी डी के समांतर रेखा TE खींचे, हमने बिंदु T से AB तथा CD के समांतर रेखा TE खींचा। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल गया, तीनों रेखाएं परस्पर क्या है समांतर है, AB समांतर CD समांतर टी। अब हम यहां पर एक प्रमेय लगाएंगे, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताई थी कौन सी प्रमेय है, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्या रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, या एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं। ठीक है, ए बी तथा सी डी के समांतर रेखा हमने बिंदु डी से टी की खींची, कोण ए का मान दिया है 140 अंश, कोण सी का मान दिया है 150 अंश, ये मान हमें कोण एक्स निकालना है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्या रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम लगाएंगे। देखेंगे ए बी और डी ई क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और ए बी त्रिज्या रेखा है, ये कोण और ये कोण इन दोनों कोणों का योग 180 अंशों का, तो लिखेंगे आप कोण बी ए टी प्लस कोण ए टी ई प्लस कोण ए टी ई बराबर 180 अंश। समीकरण के यहां पे लिखेंगे कारण अंतः कोण समपूरक होते हैं, क्या लिखेंगे एकांतर अंतः कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, कोण बी ए टी प्लस कोण ए टी बराबर 180
असीम। और अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख दें कि कौन कौन सी दो रेखाएं परस्पर समांतर हो रही है। रेखाएं समांतर है, ये भी समांतर टीई के है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी समांतर टीई। अब इसके बाद देखिए, दो समांतर रेखाएं टीई और सीबी है, एक त्रिज्या रेखा काट रही है, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 अंश। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण ई टी सी, कोण ई टी सी प्लस कोण टी सी डी, कोण टी सी डी बराबर 180 अंश। इसी तरह दो लिखेंगे दीर्घ वही, एक अंतर अंतः कोण कोण संपूरक होते हैं, एकांतर अंतः कोणों का योग या एकांतर अंतः कोण संपूरक होते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी दो समांतर रेखाएं हैं, ई समांतर है सीडी, यहाँ पे लिखेंगे टीई समांतर सीडी। अब क्या करेंगे, समीकरण एक बार दो को जोड़ेंगे, समीकरण एक व दो को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष से जुड़ेगा और दायां पक्ष दायां पक्ष से जुड़ेगा। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए बायां पक्ष से जुड़ेगा कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी ई प्लस कोण ई टी सी प्लस कोण टी सी डी टी सी डी बराबर में क्या है 180 प्लस 180। देखिए कोण बी ए टी का मान कितना है 140 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 140 प्लस कोण ए टी ई प्लस कोण ई टी सी, इन दोनों कोणों को जब आप जोड़ेंगे तो उसका मान भी क्या दिया गया है x। तो इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान है x। फिर से ध्यान दीजिए कोण ए टी ई प्लस कोण ई टी सी, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कोण ए टी ई ये हो गया प्लस कोण ई टी सी, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x। लास्ट में क्या है कोण टी सी डी, टी सी डी का मान क्या है 150 अंश प्रश्न में दिया है। बराबर क्या है 180 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 360। अब देखिए 150 से 140, अब देखिए x प्लस 150 और 140 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 290। 150 और 140 जुड़ के हो जाएगा 290 बराबर क्या है 360। अगले स्टेप का देखेंगे 360 माइनस 290, 360 में हम 290 घटाएंगे तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा 70। ठीक है, x का मान हमें क्या प्राप्त होगा 70। 150 140 कितना हो गया 290 प्लस x बराबर 360 होगा। 290 को जब हम पछाड़कर करेंगे तो x बराबर 360 माइनस 290 जो कि हमें प्राप्त होगा 70। ठीक है बच्चों,